नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। महमूद हिंदी सिनेमा के लीजेंड एक्टर्स में से एक माने जाते हैं। 29 सितंबर 1932 को जन्मे महमूद इकलौते ऐसे कॉमेडी एक्टर थे जिनका कद हीरो से भी ऊपर होता था। महमूद हमेशा से ही जिंदा दिल अंदाज के लिए जाने जाते थे। उस दौर में उन्हें फिल्मों में हीरो से ज्यादा फीस दी जाती थी और यही वजह थी कि फिल्म को हिट कराने के लिए पोस्टर पर महमूद की भी फोटो लगा करती थी। सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले महमूद को जब भी मौका मिलता था वो सबकी मदद करने में पीछे नहीं रहते थे। इन्हीं में से एक नाम है बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने महमूद को अपना दूसरा पिता भी कहा था। हालांकि एक बार ऐसा हुआ जिससे महमूद को काफी गहरा धक्का पहुंचा था। सोर्सेस की माने तो एक इंटरव्यू में महमूद ने कहा कि आज मेरे बेटे के पास फिल्मों की लाइन लगी है। जिस आदमी के पास सक्सेस होती है उसके दो पिता होते हैं, एक जिसने पैदा किया और दूसरा जिसने सफलता तक पहुंचाया। मैंने उसकी काफी मदद की, कई फिल्मों में काम दिलाया, उसे मैंने अपने घर में रहने के लिए जगह दी। उनका कहना था कि वैसे तो अमित मेरी बहुत इज्जत करता है लेकिन उसकी एक हरकत से मुझे गहरा धक्का सा लगा था। उनका कहना था कि अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन गिर गए थे तो उन्हें देखने के लिए वो अमिताभ बच्चन के घर गए थे, लेकिन जब उनका बाईपास सर्जरी हुआ तो अमिताभ अपने पिता के साथ ब्रिज कैंडी अस्पताल तो आए लेकिन वो उन्हें देखने नहीं आए। इस पर महमूद का कहना था कि अमिताभ ने यहाँ साबित कर दिया कि असली पिता होता है जबकि नकली पिता नकली। जुलाई 2004 में महमूद के निधन पर अमिताभ बच्चन ने लिखा था कि एक एक्टर के तौर पर स्थापित करने में उन्होंने हमेशा मदद की। महमूद भाई मेरे करियर के शुरुआती ग्राफ में मदद करने वालों में से एक थे। वो पहले प्रोड्यूसर थे जिन्होंने मुझे लीड रोल दिया था बॉम्बे टू गोवा में। लगातार कई फ्लॉप के बाद मैंने वापस घर जाने का प्लान बना लिया था, तब महमूद साहब के भाई अनवर ने मुझे रोका। बॉम्बे टू गोवा का एक मजेदार किस्सा ये भी है, अमिताभ बच्चन और महमूद के बीच का एक गाना था देखा ना हाय रे सोचा ना। महमूद चाहते थे कि अमिताभ बच्चन उस गाने पर डांस करें। अमिताभ को नाचना नहीं आता था, फिर क्या था। उन्होंने महमूद से कहा कि भाईजान मुझसे डांस नहीं हो पाएगा, मुझे नाचना नहीं आता। लेकिन महमूद का दिल नहीं पिघला और उन्होंने कहा कि जो चल सकता है वो नाच भी सकता है। अमिताभ के लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी महमूद ने उनसे डांस करवाया और गाना सुपर डुपर हिट रहा। तो ये है मजेदार किस्सा जो अमिताभ बच्चन और महमूद से जुड़ा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।